ये नजारे भाई साहब। Hey guys, welcome back to new vlog. Vlog तो हो गया, तो अगला दिन स्टार्ट हो गया है और एक नंबर का व्यू के साथ हमारा स्टार्ट हुआ है और एक नंबर की धूप हो रही है, मेरी आँख भी नहीं खुली हुई, देख सकते हो आप। और भाई साहब व्यू एक नंबर का, और वो मेरे साथ वाले तो दोनों ही पड़े हैं अभी बेड पे और उठ भी नहीं, मैं तो नहा धोके तैयार भी हो गया हूँ। तो अभी पहले आपको मैं जगह दिखाता हूँ एक नंबर की सुबह के साथ, तुम्हें दिख रही होगी तो देखो वहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। आज का रूम हमारा ये था, ये भी हमें 3000 रुपये में पड़ा, ये बैग पड़े और ये दोनों मेरे पार्टनर, और ये मैं तैयार हो गया रेडी और ये दोनों सो रहे हैं। एक तो ये रहा, ये देखो कैसे सो रहा है, और एक वो तो यही फिल्मी। तो ये रूम था बस जो हमें, और एकदम उठ के आया, क्या व्यू है, मस्त रही एकदम एकदम मस्त। बाकी फोन में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा हुआ, बाकी जहां से तो एक नंबर का दिख रहा है। रात में मरने वाला था, जिंदा हो गया। कितना डिग्री चला गया था रात को? निकल चुके हैं अपने रूम से चेकआउट करके, और कितने बज गया? 10 बज चुके हैं, पूरे 10 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं बर्फ में दोबारा। ये देख सकते हो आप इतने पीछे बर्फ ही बर्फ। ज्यादा बोलते तो थोड़ा सांस कम आता है, जल्दी सांस हटता है। तो अब तुम्हें बर्फ दिखाएंगे आज बढ़िया वाली, और फिर आज हमारा जान का प्लान है घर पे, है ना? आज घर चलेंगे शायद, शायद आज ही। तो ये बर्फ देख सकते हो कितना मस्त लगा है व्यू। और ये हमारी बर्फ, और आज हम थोड़े बहुत एक्टिविटीज करेंगे। ये नहीं कह रहा मैं नहीं करूँगा, ये कह रहा मैं नहीं करूँगा, और मैं कह रहा हूँ तू भी कर लियो, और वो अपना खड़ा हाथ सेक रहा है। कौन सी एक्टिविटी बढ़िया लगती है? हाइकिंग बढ़िया लगती है भाई, हमारा को तो कुछ करा लो जिसमें जिसमें हमें फन लगेगा वही करेंगे हम तो, है ना ब्रो? बिल्कुल। तो अभी हाथ सेकने फिलहाल। अब अपनी एक्टिविटी करने पहली ये जिप लाइन कर रहे हैं हम, पहले ये करेगा फिर मैं करूँगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे ऊपर। फाइनली हम पहुँच गए अपनी जगह पे, कैसा लगा? बहुत खतरनाक भाई, ये तो पढ़ते हुए बच गया है, पर पढ़े नहीं भाई हम दोनों। हाँ तो अब ये कर रहा है पहली पूरी बनाई ना पड़ी, तो ये कर रहा है पहले फिर मैं करूँगा। सा ज़्यादा खड़े नज़ारा जा रहा है भाई अपना। अब मेरी बारी आ गई, अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, वो तो पहुंच गया पड़ा तक। तो अब हम चलेंगे, ये तो पढ़ा दी बेल्ट सी, देखेंगे भाई। मैंने आज तक वैसे करा तो हो नहीं हो, मैं मनाली भी जा लिया, मनाली से ऊपर भी जा लिया, पर आज तक मैंने करा नहीं था ट्राई, डर लगा करता मैं, कहा चलो यार डर के आगे जीत है, पहली बार ट्राई मार के देखेंगे आज। So I don't know where to go, yeah, my heart, my soul.
मस्त ठीक था, बाकी छोटा था पर मजा आ गया थोड़ा। ऊपर हवा में मस्त एकदम ठंडी हवा लग रही, ऊपर सारे दिख रहे हैं मेरे को छोटे छोटे, छोटा छोटा दिख रहा है। ये तो सकल ही दिखा रहा अपनी खांसी हो रही है, खांसी हो रही है इसके। हम तो अब मैं वो ट्यूब वाला करूँगा, ट्यूब वाले तो कर ले हैं। इसकी होगी भाई खांसी, बीमार हो ले वो, टीबी होली इसके। बारह क्या बज गया टाइम तो देखिए। टाइम बज चुके हैं बारह, पूरे बारह तो सही मैंने कहा था, जैसे कि बज चुका है पूरे बारह और हम यहाँ बैठे हैं अभी तक। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ से तो मैं आ गया था, गाना था ग्यारह, मैंने एक्टिविटी भी करी पूरी, ऊपर तक गए हम, मतलब कितने बताऊँ ज़्यादा ही ऊपर थी, सही था। मतलब लॉकडाउन भी लग रहा है अब हरियाणा में, तो लग भी चुका है कि स्कूल और कॉलेज तो बंद हो चुके हैं। तो मम्मी कह रही थी कि आ जाओ आज ही आ जा, तो फिर पहले तो प्लान था कि फ्री रुकेंगे आज, फिर मम्मी कह रही, तो फिर मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं, आज आज निकलेंगे तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। और धूप तो एक नंबर की हो रही है वहाँ, ठंड थी यहाँ धूप हो रही है एक नंबर की। मैं अकेला बैठा हूँ, वो नीचे बैठे हैं छाँव में, मैं धूप में बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ। और हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बस का, यहाँ से, यहाँ से पकड़ेंगे हम शिमला की बस, फिर शिमला से देखेंगे क्या करना है, वहाँ से शायद हम वोल्वो करेंगे या देखते हैं क्या करेंगे। तो फिलहाल अभी बैठे हैं आराम से, और बस पूरा ट्रिप मतलब ठीक मज़ा आया ट्रिप में। मैं 5 या 6 महीने बाद एक ट्रिप पर गया था, और अब जा रहे हैं हम घर के लिए, निकल रहे हैं फाइनली। राइट का व्यू एक नंबर का हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको ये नाइट का व्यू। और मैं बिल्कुल पैक हो चुका हूँ, बिल्कुल पैक, अपना लोअर वोअर पहन के, अपना टोपा पहन के, मास्क पहन के। आवाज़ भी मेरे ख्याल से सोलो आ रही होगी तुम्हारे को, बाकी व्यू देखो ये नंबर नाइट व्यू, आखिरी बार देख लो। बाकी ये स्टेशन पहुँच चुके हैं, स्टेशन भी मस्त है एक बार, और ये अपना एकदम मस्त। तो गाइस अभी ट्रेन आएगी तो 6:30 बज चुके हैं सुबह के 7:20 और मैं पहुंच चुका हूँ रोहतक। और कल मेरे साथ एक चुल हो गई थी, कल मेरे साथ ये वहाँ की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेन में जाएंगे, तो वहाँ पे जनरल हमने कर ली थी टिकट, और हमने कर ली थी ऑनलाइन, तो UTSC ऐप से करी थी। तो उससे हमारी वो कहते कि ये तो चलेगा ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा ये चला ही नहीं, तो हमने वहाँ से मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मेरा ब्लॉग करने का मन भी नहीं करा। वहाँ से हम बस स्टैंड गए, फिर बस स्टैंड से 8 बजे की हमारी बस थी, तो वहाँ से हम सुबह पहुँचा मैं दिल्ली 5 बजे से, फिर वहाँ से मैंने दिल्ली से अपनी रोहतक की बस ली रोडवेज, तो फिर उसने हाथ तोड़ दिया और अब बच चुके हैं 7। और मैं अपनी गली में, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर का, तो अब जल्दी फटाफट घर जाता हूँ, और फिर जाके थोड़ा खाता पीता हूँ, जाता हूँ और सोऊंगा फिर। और बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा, और कुछ भी इंटरेस्टिंग आएगा थोड़े दिनों में बढ़िया करेंगे कुछ। तो फिलहाल जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट सब कुछ कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।